आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज, आप तक आपकी आवाज में आपका स्वागत है। नमस्कार, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ओर से मैं नेहा मिश्रा, शमशेर खान की खास खबर पर एक नजर। पौनी तहसील के ग्राम पंचायत पालोरा में तुड़तुड़ा ग्रसित छोटे किसानों को नहीं मिला मुआवजा, और जिन्हें मुआवजा मिला उनके एक ही परिवार के 7 से 8 लोगों के नाम पंचनामे में हुए दर्ज। अल्प भूधारकों का आरोप, तुड़तुड़ा ग्रसित खेती का सर्वे करने वाले अधिकारियों और तलाटी की मिलीभगत। बीएस क्राइम इंडियन न्यूज की टीम ने जानी किसानों की व्यथा। किसानों ने बीएस क्राइम इंडियन न्यूज के माध्यम से शासन को दी आंदोलन की चेतावनी। आइए जानते हैं क्या कहा किसानों ने। नमस्कार, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़ में मैं नेहा मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूं। हम यहां पे पौनी तहसील के ग्राम पंचायत पालोरा में अभी उपस्थित है। यहां पे आप देख सकते हैं इतने किसान लोग मौजूद हैं। यहां पे तुड़तुड़ा ग्रस्त किसान जो है, जिनके खेती में तुड़तुड़ा ग्रस्त का कीड़ा लगा हुआ था, उनके मुआवजे के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट के तरफ से एक सर्वे किया गया था जिसमें किसानों को मुआवजा मिलना था, बट वो जो मुआवजा मिला है वो मुआवजा इस तरीके से मिला है कि जो भूमिपुत्र लोग हैं, उन भूमिपुत्र यानी जो बड़े किसान होते हैं, उन किसानों के घर से 10-10 लोगों के नाम उस सर्वेक्षण लिस्ट में दिए गए हैं, और उसी जगह जो अल्प भूधारक है यानी जिनकी कम खेती होती है, जो खेत में खुद काम करते हैं, उन लोगों का इस लिस्ट में नाम ही नहीं दिया गया है। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि ये जो सर्वेक्षण किया गया ये स्पॉट पर जाकर किया गया है, या फिर इस सारे सर्वेक्षण में अधिकारियों की मिलीभगत है? आइए जानते हैं कुछ प्रतिक्रिया यहाँ के किसानों की। आलोरा चौरा शेतील शेतकरी यशवंत धाबेकर, तर आमच्या गावला माग तुरतुळा जे लागलेला होता धानावर, आणि त्या तुरतुळ्यामुळं उभे शेत, पूर्ण शेतचं शेत तुरतुळ्याच्या रोगामुळं नष्ट झालेलं आहे। परंतु हे जे सर्वे झालेलं आहे, हे सर्वे पद्धतशीर न करता ठराविक लोकांच्या मर्जीस्तवच हे झालेलं आहे। आणि या ठिकाणी जे आम्ही तसे घरचे 3 खातेदार आहोत, मात्र आमचा या ठिकाणी नाव आलेला नाही। तसेच गावातले बरेचसे लोक आहे, जवळपास गावातले 600 ते 700 खातेदार असावेत, परंतु त्या लिस्टमध्ये फक्त 135 लोकांचेच नावं आलेले आहे। आणि ते 135ही लोक, तर कुटुंबातले काही लोकांचे, एकाच कुटुंबातले जास्तही नावं आलेले आहे आणि इतर कुटुंबाचे नावच आलेले नाही, आणि त्याच्यामुळं इतर लोकांवर हा झालेला अन्यायच असं म्हणावं लागेल। अशा प्रकारचा हा सर्वे झालेला आहे, हा चुकीचा सर्वे झालेला आहे। आणि हा सर्वे याच्या रिचीर न होता हा सर्वे टेबलवरच झालेला असावा, व कदाचित हे संबंधित व्यक्ती सर्वे करणारे हे त्यांच्याच परिचयातले असावे असं वाटते। म्हणजे तुम्हाला जी जमीन, म्हणजे तुमचं जे जमीन आहे, तुम्हारी जो जमीन है, उस जमीन के आसपास में भी किसी को मुआवजा नहीं मिला है, लिस्ट में नाम नहीं है, या फिर सिर्फ आपका ही नाम नहीं है? यानी हमारी जो खेत है, खेत के बाजू में सिर्फ एक दो लोगों के नाम आ गए और बाकी लोगों के नहीं है। बाकी लोगों के नाम है वहाँ पर। आगे की आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं इस पर? कार्रवाई यानी वो कल जाके सब लोगों को मिला के तहसीलदार से पूछेंगे, भाई ये ऐसा क्या हो रहा है और ऐसा क्यों किया गया, और प्रशासन से क्या मांगनी है आपकी? मांगनी यानी सही में जिनका भी नुकसान हुआ है उनको मुआवजा मिलना चाहिए, और जिनका नहीं गया उनको नहीं मिले, नहीं तो कम से कम जिनका सभी का यानी बहुत सारे लोगों का तुड़तुड़ा से नुकसान हुआ है, इसलिए ज़्यादा मिले उसके बजाय कम मिले, मगर ज़्यादा लोगों का यदि मिलता तो बहुत अच्छा रहता। कितने किसानों का नुकसान हुआ है? यानी करीबन 500 किसानों का यहाँ पर नुकसान हुआ है। और एक चीज पूछनी थी सर, जब आपने ये जो धान की कटाई की, उस वक्त ये सर्वेक्षण हुआ था या फिर उसके पहले ये सर्वेक्षण हुआ था? यानी जब खेत की कटाई चल रही थी, आधे लोगों की कटाई हो गई, कुछ लोगों की आधे लोगों की हो गई थी, आधे लोगों की बीच में ही किया,
कुछ लोगों की कटाई हुई थी धान की और कुछ लोगों की होने की। तो प्रशासन की तरफ से आपको इसका पहले से कोई नोटिस दिया था कि हम सर्वेक्षण करने वाले हैं? नहीं, मालूम नहीं था। इस वजह से शायद आपको मुआवजा नहीं मिला। अगर प्रशासन आपको मुआवजा नहीं देता तो आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? अधिकारी रहता है, वो अधिकारी ने स्पॉट पे जाके सही में जिनके खेत का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा देना था और उनका नाम वो लिस्ट में आना था। अगर अभी आपको मुआवजा नहीं मिलता है प्रशासन की ओर से तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मुआवजा लेके जाएंगे, रास्ता रोको आंदोलन करेंगे, तोड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। यानी शासन के प्रति हमारी प्रतिक्रिया ये रहेगी कि भाई ये जो हमारे ऊपर जो अन्याय हुआ है ये अन्याय ऐसा नहीं होने को होना, और जो अधिकारी लोग हैं अधिकारी लोगों ने ऐसा भेदभावपूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहिए। मी सौ अनिता संदीप गिरेपुंजे पालोरा येथील सरपंच आहे। आमच्या गावात 600 शेतकरी आहेत, त्यामधून 100 शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे, पण जे शेतकरी त्या लाभालायक होते गरीब लोक तेच त्या लाभापासून वंचित आहेत। तर मला असं वाटतं की सर्व शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळावा, जे गरीब लोक आहेत त्यांना आधी मिळावा, आणि जे सर्वसाधारण लोक आहेत त्यांना जरी नाही मिळाला तरी चालेल, पण गरिबांना अगोदर मिळावा। जर तसाही नसेल मिळत तर द्यायचं आहे तर सर्वांनाच द्यायचं, नाही तर कुणालाच नाही। आणि जर नाही मिळालं तर मग आपण काय करणार त्याच्या? आम्ही हल्ला गोल करू पंचायत समितीवर, तहसीलदाराशी विचारू, तलाट्याशी मागणी करू, तलाट्याला विचारू काय आहे बाबा याच्याबद्दल। खबर आप तक पहुंचाने के लिए आप जो शेयर और लाइक करते हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। देखते रहिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़। नमस्कार।